हनी यानी शहद आपने टेस्ट तो ज़रूर किया होगा। इसे आमतौर पर लोग एक हेल्दी फूड आइटम के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ये सेहत के लिए काफ़ी लाभदायक तो है ही, साथ ही लोग इसके टेस्ट के भी दीवाने हैं। अब हम बात करेंगे अपने टॉपिक पर, जिसे आपने थंबनेल पर पढ़ लिया होगा। आज का टॉपिक है, क्या शहद की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती? क्या शहद को हजारों साल के बाद भी खाया जा सकता है? तो इन सारे सवालों का एक ही जवाब है, हाँ। लेकिन आपके मन में एक सवाल जरूर होगा कि जब आप शहद खरीदने जाते हो तो डिब्बे के रैपर पर एक्सपायरी डेट क्यों होती है, फिर इसका क्या मतलब है? तो भैया हम किस लिए हैं, हम इसी वीडियो में सारे सवालों का सटीक जवाब आप तक पहुंचाएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक ज़ोरदार लाइक करके हमारा समर्थन करें और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहले पहुंचे। शहद एकमात्र ऐसा खाद्य पदार्थ है जो कि हजारों साल तक खराब नहीं होता। शायद इन पे यकीन करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ये बात साइंटिफिकली टेस्टेड और एग्जामिन्ड है। मिस्र के पिरामिडों में जब फेरो बादशाह की कब्र को खोजा गया, तब उसमें से बहुत सारी चीज़ें मिली, जिसमें एक बर्तन में शहद भी पाया गया था। वैज्ञानिकों ने जब इसे चखा तो वो ताजे शहद जितना ही स्वादिष्ट था, लेकिन उसे थोड़ा गर्म करने की आवश्यकता थी। सबसे पहले ये समझते हैं कि कोई भी फूड खराब क्यों और कैसे हो जाता है। इसका जवाब है माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया एंड फंगी कुछ फेवरेबल कंडीशन के अंदर टॉक्सिक केमिकल्स प्रोड्यूस करते हैं, जो धीरे धीरे फूड को ख़राब कर देता है और फिर उससे गंध आने लगती है। लेकिन हनी का केस ही कुछ अलग है, जो इसे अद्भुत बनाता है। शहद के हजारों साल तक खाने योग्य और ख़राब ना होने के कुछ कारण हैं, आइए इसे देखते हैं। फर्स्ट, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के वैज्ञानिकों के अध्ययन में पता चलता है कि शुद्ध शहद में नमी ना के बराबर होती है, जिसकी वजह से इसमें जीवाणु पनप ही नहीं पाते या फिर जीवित नहीं रह सकते। अब जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म जीवित ही नहीं रहेंगे तो शहद खराब कैसे होगा? इसी वजह से शहद लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं, और यही खूबी इसे बेहतरीन एंटीबैक्टीरियल और एंटीसेप्टिक बनाती है। बट अगर कोई शहद ख़राब होती है तो आप बोलोगे कि मैंने गलत बताया। तो मेरे दोस्त, अगर शहद ख़राब होती है तो वह शुद्ध नहीं है, ये मिलावट का असर है। आपने सुना ही होगा कि शहद जितना पुराना होगा उतना ही ज़्यादा अधिक गुणकारी और फ़ायदेमंद हो जाता है। इसके बावजूद भी शहद की शीशी पर एक्सपायरी डेट क्यों लिखी होती है? यदि हम शहद को एक्सपायरी डेट के बाद उपयोग में लेते हैं तो शहद का तरल भाग या पानी वाष्पीकृत हो जाता है और शहद क्रिस्टलाइज हो जाता है, जिसे आमतौर पर लोग शहद का ख़राब होना समझते हैं। लेकिन यह धारणा बिल्कुल गलत है, क्योंकि शहद का क्रिस्टलाइज अवस्था आसानी से पुनः तरल भाग का रूप धारण कर सकती है। शहद में शक्कर के गुण मौजूद होने के कारण समय के साथ शहद का रंग गहरा होने लगता है। शहद का रंग बदलना या क्रिस्टलाइज होना एक सामान्य अवस्था है, इसका मतलब यह नहीं होता कि शहद खराब है। शहद के डिब्बों पर एक्सपायरी डेट का होना मात्र कॉमर्शियल रूल्स और नियमों का एक हिस्सा है, क्योंकि उन पर अन्य प्रोडक्ट की तरह बेस्ट बाय डेट लिखना अनिवार्य होता है। ये डेट मात्र कस्टमर को शहद की नवीनता बताने के लिए होती है। उम्मीद है इस वीडियो के ज़रिए आप शहद के फैक्ट को समझ पाए होंगे। अगर जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लें, और इसी तरह के अमेजिंग फैक्ट्स के लिए चैनल के साथ जुड़ना ना भूलें।